प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में पूर्व विधायक माफिया अतीक अहमद और उनकी पत्नी से संबंधित 8.14 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की, जिसमें भूमि संपत्ति और बैंक खातों में शेष राशि शामिल है। एजेंसी ने उनके खिलाफ हत्या, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी, भूमि हथियाने और समान प्रकृति के अपराधों से संबंधित विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कई प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत जांच शुरू की। PMLA के तहत जांच के दौरान ये पता चला कि अतीक अहमद आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से नगद में ब्लैक मनी कमाते थे और इसे उनके और उनके रिश्तेदार कई बैंक खातों में जमा कर रखे थे। ईडी ने यह भी देखा कि उनके सहयोगियों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न फर्मों और कंपनियों से उनके खातों में धन जमा किया जा रहा था। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि इन निधियों का उपयोग उनकी पत्नी के नाम से सरकारी मूल्य से काफी कम कीमत पर भूमि संपत्ति के अधिग्रहण के लिए किया गया है। ईडी ने अतीक के सहयोगियों द्वारा चलाई जा रही कंपनियों में संबंधित MCA, IT विभाग और अन्य एजेंसियों से डेटा एकत्र किया है। आरोपी व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और इन कंपनियों में निवेश किए गए धन के स्रोत का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है। अपराध की आय का मनी ट्रेल भी स्थापित किया जा रहा है। अतीक अहमद के 10 बैंक खाते और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन के एक बैंक खाते में 1.28 करोड़ पड़े हैं। शाइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद इस मामले में ईडी की ओर से ये पहली कुर्की है। आगे की जांच जारी है। अतीक अहमद और उनके सहयोगियों के लिए संपत्तियां नियत समय में कुर्क किए जाने की संभावना है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।